हम देते किसी और को हैं, वोट जाता मोदी जी को ही है। तो बस यही है कि फेयर इलेक्शन नहीं होते हमारे यहाँ। जैसे वो चुनाव का माहौल देखते हुए फिर से दोबारा अफजल अंसारी ही आएंगे, जैसे भी संतोना कह लें या जो भी कह लें, गाजीपुर जैसे पूर्वांचल में आप चले जाओ, जातिगत के आधार पर होती है। बिल्कुल, तो वो जातिगत के आधार पर वो जीत जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पिछड़ी और अन्य जातियाँ ज्यादा हावी है। आप चाहे 4 महीने बाद देख लीजिएगा, आएंगे मोदी जी। मोदी नहीं आएंगे, नहीं आएंगे बिल्कुल। कैसे कह दिया? 4 जून 4 दोपहर जी जी बिल्कुल। भाजपा के खिलाफ बोलना समझ लीजिए अपने आप को झंझट में डालना है, ऐसा भाजपा के पास है सारा। ईडी वाले वो लूट रहे हैं, भाजपा लूट रही है। कांग्रेस ने जो भी किया है अभी तक जो है ना, बीजेपी सरकार 10 साल में कर पाई है। ये 2047 का जो सपना दिखा रहे हैं लोगों को, ये जीवन में भी नहीं कर सकते। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल को होना है। कुछ ही समय बचा है चुनाव होने में, लेकिन उससे पहले देश की जनता क्या चाहती है, क्या मोड बनाकर रखा है, किसे फिर से कुर्सी देना चाहती है या फिर सत्ता में बदलाव चाहती है, ऐसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और ख़ास जो मुद्दा है वो रोज़गार का मुद्दा है। तो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में क्या चाहते हैं, फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाना चाहते हैं या फिर सत्ता में परिवर्तन चाहते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? नामकरण नाम है। करण जी, क्या करते हैं आप? मैम कुछ नहीं। कुछ नहीं करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो रोज़गार का मुद्दा है युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है, सरकार इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है या भी नहीं है? इन्वॉल्व नहीं है। नहीं है। क्या करना चाहिए सरकार को, जिस तरह से युवा सड़क पर भटक रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं? रोज़गार देना चाहिए मैम। अच्छा, सरकार ये भी कहती है कि आप पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स से आप परीक्षा में सफल हों, फिर आपको रोज़गार मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि हमने तो बहुत अच्छे अंक से परीक्षा पास की, इसके बावजूद भी हम बेरोज़गार हैं जी। आप बताएं सर, क्या नाम? मेरा नाम राज है। राज जी बताएं, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। जो स्थिति है युवाओं की, किस तरह की है? क्या बता दें हम, कुछ तो बोलें आप। बहुत अच्छी है स्थिति। अच्छी है, आपकी क्या राय है? मैम स्थिति बहुत बेकार है सबकी, युवाओं की। किसी को रोज़गार मिल ही नहीं रहा है, इतने इलेक्शन, इतने पढ़ाई हो करते हैं सब लोग, सब फ्री बैठते हैं। यूपी सरकार कोई जॉब ही नहीं निकाल रही है। तो बस यही है कि आप जो भी हैं, इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो। पहली बात तो फेयर इलेक्शन ही नहीं होते, फेयर इलेक्शन ही नहीं होते हमारे। इलेक्शन कैसे हो मैम? जैसे जो जिसको चुनाव देता है, जो अपने मतदान करता है, वो अपने हिसाब से जो जिसको करना चाहता है वो करता तो है, लेकिन कहते हैं ना लोग कि हम देते किसी और को हैं, वोट जाता मोदी जी को ही है। तो बस यही है कि फेयर इलेक्शन नहीं होते हमारे यहाँ। अच्छा, सत्ता फिर से बदलनी चाहिए या फिर? बदलनी चाहिए, बिल्कुल बदलनी चाहिए। किसे लाना चाह रहे हैं मैम? जो भी आए, मोदी जी हैं, अच्छा काम करते हैं, मोदी जी करते हैं। हमारे यूपी का हाल लेकिन बहुत बेकार है, यूपी का हाल बहुत बेकार है। और भी हमारे साथ एक युवा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? वंश। वंश जी बताइए, इस बार किसका वंशज रहेगा देश में? मेरे ख्याल से तो मोदी जी रहना चाहिए, बस क्या थोड़ी मतलब स्थिति थोड़ी सही कर दे, जैसे कि बेरोज़गार को रोज़गार दे दें, और जैसे कि गैस वैस पे, जैसे कि अभी तो रेट कम हो गए हैं, इलेक्शन चल रहे हैं, उसके बाद तो फिर बढ़ेंगे ही, जानती हैं आप। अच्छा, क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? तो उनका वो होगा मेन मुद्दा तो यही था कि कहते हैं कि रेट मतलब जो भी रेट इतने हाई फाई हैं, जैसे पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया है, वो थोड़ा कम होना चाहिए, और बाकी सब चीज़ें अब जानती हैं आप भी, बहुत कुछ है जो बदलाव होना चाहिए। लेकिन सरकार तो ठीक है, क्राइम रेट कम है, जैसे बहुत चीज़ें कम हैं, लेकिन ये दाम के मामले में भाजपा थोड़ी वैसे है, मतलब इसमें कमी है, इसमें सुधार होना चाहिए, इसमें थोड़ा सुधार होना चाहिए, बाकी सब में तो ठीक है मेरे हिसाब से। अच्छा, इसके बाद बीजेपी के बाद यानी कि मोदी के बाद किसे आप पसंद करते हैं, वो कौन सा नेता है? आई थिंक अखिलेश यादव। अखिलेश यादव बेटर,
पॉलिटिशियन युवाओं के लखनऊ में उन्होंने बहुत काम किया है, जो आपको दिखेगा रिवरफ्रंट चले जाइए कहीं भी चले जाइए तो आपको दिखेगा। मैंने तो देखा भी उनका काम, और जो इकाना स्टेडियम बना उनके बदौलत बना है, बहुत काम उनके तो उससे हुआ है। अगले शब्दों को मतलब मैं चाहूँगा फिर से क्या नाम है? हर जुनेजा जी, बताइए राजनीति को आप किस तरह से अब देख रहे हैं वर्तमान समय में? सबसे राजनीति को मैं एज अ यूथ, तो फॉर यूथ के लिए ही देखना चाह रहा हूँ कि जो यूथ अपना है, यूथ का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। हो रहा है अभी तो फिलहाल, हो रहा है एट प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन और ज़रूरत है, क्योंकि जो लोगों के बीच में ड्रग्स वगैरह को लेके चीज़ें फैल रही हैं, वो चीज़ को रोकना पड़ेगा अपने आप को। वो चीज़ हमारे अंदर, यूथ के अंदर बहुत चीज़ें, बहुत नशा पत्ती को लेके चीज़ें फैल रही हैं, ये सब चीज़ों को रोकना पड़ेगा। चुनाव आ रहा है, ठीक है, इस बार सत्ता में किसे आना चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए या फिर जो इस वक्त सीट है, जो जिसकी कुर्सी है वही कुर्सी सही है? अब इस पे तो ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इम्प्रूवमेंट भी होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सत्ता पे कोई भी रहे, सत्ता किसी की नहीं है, सत्ता चलाने वाला एक ही है। मोदी सरकार के बारे में क्या राय है? मोदी सरकार के बारे में इम्प्रूवमेंट तो है, पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है, और लेकिन और ज़रूरत है। हमारे साथ एक भाला फेंक खिलाड़ी भी मिले हैं हमको, नीरज चोपड़ा का, सेम नीरज चोपड़ा से इंस्पायर। जी जी जी, क्या नाम है आपका? ऋषभ सिंह जी। बताइए, अच्छा खेल का जो खिलाड़ियों का जो समर्पण होता है, उनका संघर्ष जो होता है, कैसा रहता है? बहुत टफ होता है, मतलब हर कोई उसको देखता नहीं है, लेकिन अब जो खेल रहा है एथलेटिक्स, मतलब समझ लीजिए एक एक मीटर का वो रहता है ना, और इंजरीज वगैरह रहती है, और वो सब किसी को नहीं दिखता, बस ये दिखता है कि वो मेडल ला रहे हैं। लेकिन अब नीरज चोपड़ा ही है, उन्होंने 10-15 साल मेहनत करी है, तब जाके आज उन्होंने ओलंपिक में मेडल लिया है। कितने दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मेरा हो गया 1-1.5 साल हो गया। मतलब क्या लक्ष्य है आपका? मेरा यही है ओलंपिक में इंडिया को मेडल लाना। मेडल दिलाना। अच्छा ये बताइए, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं वो सड़कों पर आ गई, उनके साथ उत्पीड़न हुआ, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया, क्या कहना है? वो पॉलिटिक्स है, अब किसी को भी कोई क्लियर नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, किसी के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। सबूत भी महिला पहलवानों ने दिए ब्रजभूषण के खिलाफ, इसके बाद भी उन्हें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है ना? जी जी, अब वो पॉलिटिक्स है पॉलिटिशियंस का, जो भी अब इस समय आप जानती हैं पॉलिटिशियन सबसे अपर मोस्ट पार्ट पे हैं इंडिया में, तो जो भी वो चाहेंगे वही होता है लगभग। ऋषभ जी ये बताइए, सरकार से आप क्या कहेंगे, सरकार से क्या कहेंगे? मतलब जितना भी अभी गेम्स और एथलेटिक्स वगैरह के बारे में जितने भी लोग खेल रहे हैं, सबको एक सपोर्ट करना चाहिए, और जिनके साथ भी गलत हो रहा है सबके साथ सही करना चाहिए, किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और फीमेल्स के साथ तो होता ही होता है, आप जानती हैं हर जगह उनको थोड़ा डिमोरलाइज करा जाता है। अच्छा ऋषभ जी, एक और बात है कि जो खिलाड़ी होते जो आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने क्षेत्र में, कोई ज़रूरी नहीं होता है कि वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत हो, है ना? तो ऐसे खिलाड़ियों के लिए सरकार से क्या कहना चाहिए? उनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर खिलाड़ी मजबूत नहीं होता है, और जो बहुत से लोग हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन फाइनेंशियली वो टूट जाते हैं या इंजरी हो जाती है, जिनका वो सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दे पाते हैं। और डाइट मेन रहती है स्पोर्ट्स में, डाइट नहीं मिलती है तो आप कुछ कर रहे हैं नहीं हो पाता है आगे, फिर उसके लिए सपोर्ट करना चाहिए, और कर रही है सरकार, उन्होंने अकेडमिक्स खोली हैं और चीज़ें बढ़ रही हैं, धीरे धीरे ही होगा, एकदम से तो नहीं होता। नीरज चोपड़ा से आप इंस्पायर हुए, नीरज चोपड़ा के बारे में क्या कहेंगे? जी उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी है, अब सब जानते हैं, अब जब उन्होंने मेडल जीता है तो उन्होंने खुद सबको बहुत चीज़ें बताई हैं, लेकिन वो खुद जानते हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत करी है, बाकी कोई समझेगा नहीं। वो आप खुद देखिए उस समय तक कितना हुआ, नीरज चोपड़ा ने ये मेडल पाया, ये करा, उसके बाद फिर फेम चला गया, अब जब कोई नया आएगा फिर उसका भी होगा। बहुत से लोग हैं, आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या खुद से? जी जी, मेरा स्कूल कराता है ट्रेनिंग, स्कूल कराता है, भी ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा अच्छा, खुद से करते हैं। चलिए आप एक भाला मारिए, शूट शॉट लेते हैं आपका। दस नब्बे पार्क में मौजूद है, और यहाँ पर कुछ हमारे साथ जनता जनार्दन बैठी हुई है, और अभिनव जी का जन्मदिवस है आज, उनका जन्मदिवस मनाया जा रहा है, यहाँ पर उनके संगी साथी हैं, तो चुनावी मुद्दे पर भी लगे हाथ बात कर लेते हैं। सर आपसे शुरुआत करते हैं, क्या नाम है? मैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र जी बताइए, चुनावी माहौल है, किसे जिताना चाह रहे हैं? अब मैम जो काम करेगा उसको जिताएंगे। कौन कर रहा है? नहीं, काम तो 10 साल हो गए हैं, ठीक है, जो सत्ता में है, अब बारी जनता की है, जनता अब बदलाव करेगी या फिर नहीं?
मैम उसके लिए क्या है, हमारा जो लोकल सांसद है हम उसको देखेंगे कौन अच्छा है कौन अच्छा कौन है। अब हमारी तब तो मैम आरके चौधरी लड़ रहे हैं जो सपा से हैं। अच्छा कहाँ से आप? आशियाना। आशियाना। और बीजेपी से वो लड़ रहे हैं कौशल किशोर लड़ रहे हैं। अब उनमें जो सही रहेंगे उनको कौशल किशोर का जो इतिहास रहा है उसको लेकर, क्योंकि क्राइम की भी चीजें हमेशा रही हैं, सुर्खियों में रहते हैं, है ना, हुआ था मुद्दा जो हुआ था उनका, जो मर्डर भी हो गया था, उसको लेकर क्या कुछ क्षेत्र में कुछ प्रभाव पड़ेगा? मैम थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा ही, काफी पड़ेगा। किसी घर में कोई मर जा रहा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। सर आप बताएं। जी मैं रहने वाला गाजीपुर के वैसे, और जहाँ के सांसदी अभी अफजाल अंसारी हैं, फिलहाल में अफजाल अंसारी थे, जैसे वो चुनाव का माहौल देखते हुए फिर से दोबारा अफजाल अंसारी ही आएंगे, जैसे भी संतोना कह लें या जो भी कह लें, क्योंकि बीजेपी का जो कैंडिडेट अभी वहाँ पे हुए हैं पारसनाथ जी, अभी उनको पूरी तरह से मतलब पूरा गाजीपुर ही नहीं जानता होगा। अब वो थे जैसे पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं क्या? हाँ पहली बार उतरे हुए। अच्छा, जो अभी वहाँ पर नेता रहे हैं, ठीक है, अंसार क्या नाम बताया? अफजाल अंसारी। अफजाल अंसारी, उन्होंने क्या कार्य क्षेत्र किए हैं? कार्य क्षेत्र का नहीं होता, जैसे क्या होता है जातिगत वोटें होती है वहाँ पे गाजीपुर, जैसे पूर्वांचल में आप चले जाओ जातिगत के आधार पे होती है। बिल्कुल। तो वो जातिगत के आधार पे वो जीत जाएंगे क्योंकि वहाँ पे पिछड़ी और अन्य जातियाँ ज्यादा हावी है, इसलिए वो जातिगत के हिसाब से जुड़ जाए। अच्छा, पूर्वांचल की बात की तो वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, पल्लवी पटेल भी उतरने की तैयारी में है, क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की तरफ वोट जाएंगे? नहीं नहीं मैम, वो वोट काटने का ही काम करेंगे, और ऐसा कुछ नहीं है कि उनका पल्ला भारी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ सीटें सपा की निकालेंगे, अफजल अंसारी निकालेंगे। तो बर्थडे बॉय भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अभिनव जी बताइए, क्या किसे लाना चाह रहे हैं? मैम हम तो बीजेपी के हैं। बीजेपी हैं, बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो क्या किया है बीजेपी ने आपके सपोर्ट में? हमारे यहाँ यही है कि जैसे देखा जाए तो सब चीज़ ठीक ही हो रहा है जिस हिसाब से, जैसे कि जैसे गाँव में देखा जाए तो रोड वोड सब बन गई है, कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर हुई है। बेहतर हुई है, हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले। इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद में जो कोचिंग सेंटर हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, लोग वहाँ पर कोचिंग अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, कहा जाता है वो हब है एक, तो क्या वहाँ का जो युवा है वास्तव में आगे बढ़ रहा है या फिर कोचिंग सेंटर की हालत ख़राब है या अच्छी है? नहीं अच्छी है मैम, पहले की अपेक्षा बहुत अच्छी हो गई है जी। अच्छा, शिक्षा को लेकर वहाँ पर क्या माहौल है और क्या बताएंगे? मैम शिक्षा को लेकर अच्छा ही माहौल है जिस हिसाब से देखा जाए, पढ़ाई भी देखिए वो अपने ऊपर है, अगर आदमी करना चाहे तो वो अपने ऊपर है। बताइए इस बार मोदी जी आएंगे? वो कंफर्म है, बिल्कुल कंफर्म है। आप चाहे 4 महीने बाद देख लीजिएगा, आएंगे मोदी जी। जी अब की बार मोदी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बिल्कुल। कैसे कैसे? अरे आ सक देखिए आ सकते हैं, परंतु वो आएंगे नहीं। नहीं आएंगे। 4 जून 4 दोपहर जून 4 दोपहर आप बताएं। जी जी बिल्कुल। नहीं कुछ नहीं, आप अकेले पड़ गए, आप अकेले पड़ गए, वो दो लोग एक हैं हैं, हमारे 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 पक्ष ही हैं, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। भाजपा के खिलाफ बोलना समझ लीजिए अपने आप को झंझट में डालना है। झंझट में क्या, ईडी की छापेमारी थोड़ी ना पड़ती है? नहीं नहीं पड़ सकती है भाई, पड़ सकती है, किसी किसी भी किसी चीज़ में उठा के बंद कर देंगे अभी। हाँ अभी यहाँ आए हैं, अभी कुछ भी क्राइम लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। छापा पड़ सकता है, ये विफल सरकार रही है, ये जो 10 साल में है कोई भी कार्य नहीं हुआ है 10 सालों में जी। बाकी सरकारों के बारे में राय क्या है? बाकी सरकारें तो जैसे अभी क्या है, चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो उसमें आप देखिए कि पहले मनमोहन सिंह जी जो प्रधानमंत्री थे उनकी बात अलग थी, अब आज के दौर में ये देख लीजिए। अच्छा, क्राइम कहाँ जा रही, पहले से राजनीति आज का जो स्तर है कितना अंतर? राजनीति है ही नहीं, कूटनीति है। कूटनीति जी, राजनीति कहाँ हो रही है? राजनीति नहीं हो रही है मैम। अच्छा, घोषणा पत्र जारी कर रहे, कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी कर दिया, सपा ने भी, और आज बिहार में भी आरजेडी की तरफ से जारी कर दिया, बड़े बड़े वादे। देखिए प्रचार प्रसार होता है टीवी पे, सिर्फ किसका दिखाया जाता है? भाजपा का। कोई और पार्टी नहीं है क्या यहाँ पे? कोई विपक्ष में है कि नहीं है? कुछ दिखाया नहीं जाता है, कोई नहीं दिखाता है, कोई टीवी समाचार दिखाया जाता है? दिखाया जाता ना के बराबर। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? रीजन क्या हो सकता है भाई, पैसा भाजपा के पास है सारा, ईडी वाले वो लूट रहे हैं, भाजपा लूट रही है। आप वार किस पर कर रहे हैं? भाजपा पे वार कर रहे हैं जी। मैं
सर आपके पास अभी एक मिनट में आ रही हूं। मैं रंजीत कुमार, मैं सपोर्टर जो है कांग्रेस का हूँ, इंडिया गठबंधन का। एक्चुअली में इंडिया गठबंधन का मामला ये होता है कि अभी तक राहुल गांधी जी ने जो है कोई भी धार्मिक मुद्दे कभी भी नहीं उठाए, ना अभी तक उन्होंने स्पीच दिया ऐसी। देखिए, इलेक्शन होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, हेल्थ एजुकेशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, जो आज की जो है भारत में जो है जिसकी कमी है। 70 साल से कांग्रेस रही है, 70 साल, मगर कांग्रेस ने क्या किया? आप बताइए क्या नहीं किया। आप बताइए इस लेवल से। देखिए, कोई भी छोटा बच्चा होता है, ऐसा नहीं कि जो है 5 साल में जो है UPSC क्रैक कर ले या प्रधानमंत्री बन जाए। जब आज़ाद हुआ 1947 के बाद धीरे धीरे जो है डेवलपमेंट होता रहा है। ऐसा नहीं है कि जो है एकदम से हो जाता है। कोई भी कंट्री हो अभी तक जो है डोमिनेट रही हो किसी के अंडर में, ठीक, तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने जो एजुकेशन सेक्टर पर काम नहीं किया, हेल्थ सेक्टर पर काम नहीं किया, एम्स बनाए, यूनिवर्सिटियाँ जो है ओपन हुई। तो हमारा कहने का मतलब जो भी हो काम जो है एजुकेशन सेक्टर पे हो। सर आपसे एक बात जानना चाह रहे हैं, जो 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है मोदी सरकार के, उसके बिहाव पर जनता उनकी तरफ जा रही है अगर देखा जाए। जब 70 साल के से कांग्रेस है, फिर आखिर उन्होंने ऐसा क्या नहीं किया और क्या किया फिर वो, क्या नहीं किया कि वो हार गए? देखिए, कभी कभी जो है मुद्दे लोग जो है, देखिए एक दो लोग तो इलेक्शन जो है ऐसा होता नहीं कि एक दो लोग वोट दे दें और जीत जाए कोई, ठीक। देखिए, माहौल जो है 2014 में जैसा बना कि जो है राम मंदिर मुद्दे धार्मिक मुद्दे आए, उसी के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन हुआ। मोदी जी ने कल कहा कि हमारा जो राम मंदिर है वो मुद्दा था ही नहीं और ना ही है और ना ही रहेगा। वो उनकी बात क्या बताएं, जो है आप भी सुनती होंगी, हम भी सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बात हर स्पीच में उनके जो है धर्म ना आए। और मंदिर बनवाने का उद्देश्य क्या था आपको क्या लगता है बीजेपी उनका? मंदिर मतलब लोगों को जो है आकर्षित करना अपनी तरफ। देखिए, मंदिर क्या होता है, आस्था का विषय होता है, लोग उससे ज्यादा जुड़ते हैं, ठीक। हालांकि हमारे पास रोजगार नहीं है। देखिए, रोजगार होगा तो हम भी जाएंगे, 50 ग्राम नहीं एक किलो का जो है घंटा चढ़ाएंगे, लेकिन हमारे पास रोजगार ही नहीं तो मंदिर जाके क्या करेंगे, बताइए आप, ठीक। और कांग्रेस ने जो भी किया है अभी तक जो है ना बीजेपी सरकार 10 साल में कर पाई है। ये 2047 का जो सपना दिखा रहे हैं लोगों को, ये जीवन में भी नहीं कर सकते। हालांकि हमें तो ये भी नहीं पता, मतलब ये भी नहीं उम्मीद है कि इस बार आएंगे ये, ठीक। इसलिए राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। कुछ गाजीपुर से बात हो रही थी, गाजीपुर से सर आप कुछ बात कर रहे थे और कुछ बोलना चाह रहे थे। गाजीपुर में जब मनोज सिन्हा थे उस टाइम विकास हुआ, शहरी से लेके गांव तक भी विकास हुआ, हर चीज़, रेलवे से लेके मतलब जो भी रेलवे का जो भी विकासकरण हुआ वो मनोज सिन्हा का ही दिन है। अफजल आया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मतलब करते कुछ नहीं है, बट वोटों की राजनीति ऐसी है कि वो जीत जाते हैं। तो ये जनता को सोचना चाहिए ना कि किसने कार्य किया है और कौन कर सकता है और क्या क्या हुआ। वही तो है कि जो सोचना, जो जहाँ काम करता है क्षेत्रीय मुद्दों पे लड़ाई करे या जो भी हो उस पे करे, लेकिन यहाँ मुद्दों की नहीं, जातिगत पे आ जाती है। पूर्वांचल की हम बात करते हैं तो जातिगत पे आ जाती है, जिसका जाति ज़्यादा रहेगा वो वोट ले जाएगा। मगर ये जनता 5 साल बाद सरकार बनती है और जनता के हाथ में होता है कि वो किसे जिताए। कैंडिडेट पे वैसा होना चाहिए ना, कैंडिडेट मेन निर्भर करता है कैंडिडेट पे। जैसे मनोज सिन्हा पहली बार जीते, फिर मतलब हाँ ठीक है विकास उन्होंने किया, लेकिन वो भी जातिगत के ही पीछे गया। जैसे वो सिन्हा राय और सिन्हा को लेके ही चले और जातियों को छोड़ दिए, कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, क्या नहीं है, उनको कोई भी ठेका से लेके कोई भी आवंटन कुछ भी निकलता था तो अपने ही जातिगत के आधार पे वो जो भी बंटवाना था या जहाँ भी जो चीज़ देना था इसके आधार पे वो सेकंड टाइम में वो हार गए। 10 साल का जो मोदी का रिपोर्ट कार्ड है उसका क्या पॉजिटिव या निगेटिव? देखिए, जहाँ पे पॉजिटिव होगा वहाँ पे निगेटिव तो होगा। कुछ चीज़ें निगेटिव पे लिए जाएंगे और कुछ चीज़ें पॉजिटिव पे लिए जाएंगे। कितने नंबर देंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को मैं 10 out of 10 9 दूंगा मैं। 9, 1% कम? हाँ, 1%। किस बिहाव पर 1%? अब किस बिहाव पर, जैसे क्या है कि उनका मुद्दा रहता है जैसे धर्म को लेकर, तो बस उस मुद्दे पर मैं 9 दे रहा हूँ। जाति विवाद कर? हाँ, जाति विवाद पर। तो हमारी ये जनता जनार्दन थी जिनका जो कहना है कि सत्ता जो है परिवर्तन होना चाहिए, नहीं, अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी विचारधारा है जनता जनार्दन की। यहाँ पर मौजूद लोगों की अपनी अपनी विचारधारा है। आने वाला समय बताएगा कि 4 जून को किसके सर पर ताज सजेगा और किसकी होगी हार। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं मधुमिता, NTV निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल